डेकोरेशन की शॉपिंग करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो हम डेकोरेशन करने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं, मेरी मम्मी और सब शॉपिंग करने के लिए जाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो डेकोरेशन होगा, जो हम शॉपिंग करके लाने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम मार्केट में आ गए हैं और मास्क तो सबने ही पहना है, पर यहाँ पर भीड़ बहुत है क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो सब बाहर निकले हैं। तो हम मार्केट में आके डेकोरेशन का सामान और प्लेट, ग्लास सब कुछ खरीदेंगे। तो अभी हम जाते हैं मार्केट में, और अभी भी रोड पूरे तरीके से गीला है। तो चलिए हम मार्केट में जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, और आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्नैक्स की शॉप में स्नैक्स खरीदने। तो अभी हम स्नैक्स के शॉप में आ गए हैं, और स्नैक्स के शॉप से हम वेफर्स और फरसान लेंगे। ऐसे ही हम अलग अलग शॉप में जाएंगे, और जो पूजा के सामान, ग्लास, प्लेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ग्लास और प्लेट लेने वाले हैं, तो हम ग्लास और प्लेट भी लेंगे, और जो पूजा के सामान है वो भी लेंगे, और भगवान का जो रेड क्लॉथ है वो भी लेंगे। तो कल गणपति बप्पा आने वाले हैं, इसलिए अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें कल टाइम नहीं मिलेगा शॉपिंग करने के लिए, इसलिए अभी हम सब कुछ ले लेते हैं, जो डेकोरेशन का सामान और जो भी पूजा का सब सामान ले लेते हैं, और अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो गणपति के सामने 5 फ्रूट्स रखने होते हैं, इसलिए अभी हम 5 फ्रूट्स का पैकेट लेंगे। तो प्रसाद के लिए छोटी प्लेट और खाना खाने के लिए प्लेट्स, पानी के ग्लास, वो सब हम लेंगे यहाँ से। गणपति का फेस कवर करने के लिए और पार्ट पर जो रेड क्लॉथ हम रखते हैं वो हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर काफी सारे तोरण भी है जो हम डोर्स पे लगाते हैं और डेकोरेशन के टाइम में भी यूज करते हैं। अभी हम मार्केट से आ गए हैं, और मेरे पापा और मेरी जो बड़ी बहन है वो डेकोरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक रेड क्लॉथ लगाएंगे, और नीचे भी जो हम डेकोरेशन करने वाले हैं वो भी मैं आपको थोड़े थोड़े करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पापा जुगाड़ कर रहे हैं, क्या जुगाड़ कर रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अभी पप्पा ईंट ढूंढने जाने वाले हैं, क्योंकि हम वॉल पे कीले ठोकने नहीं वाले हैं, तो जो ईंट है वो हम बांधेंगे क्लॉथ से। कैसे बांधेंगे वो भी दिखाती हूँ।
तो ये देखिए, दो तीन ईट है और साथ ही में छोटे छोटे स्टोन्स भी लाए हैं। तो जो स्टोन है उसे हम क्लोथ के अंदर डालेंगे और रस्सी से बांध देंगे, और हम रस्सी ईट से बांध देंगे, फिर वो जो क्लोथ है वो उड़ेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं पप्पा कैसे बांध रहे हैं, तो आप भी ये जुगाड़ को ट्राई करना नेक्स्ट ईयर। और एक जुगाड़े स्टोन नहीं लग रहा था, इसलिए अभी हम पिन से रस्सी को अटैच करेंगे। तो जो क्लोथ था वो फिसल रहा था, इसलिए अभी पप्पा उसे स्टिच कर देंगे, फिर वो क्लोथ फिसलेगा नहीं। पर आप देख सकते हो कितना सारा डेकोरेशन का सामान पड़ा है। ये देखिए जानवी, अभी सुई में धागा ये ढोले पर जानवी की आंखें देखो, सुई में धागा डाल रही है। पकड़ पकड़ ऐसे घुस 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 गया घुस गया। तो जानवी अभी सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही है। वो देखिए इसके आगे देखिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट सुई पर है। ओहो आग देखो आग देखो। देख सकते हो क्लोथ लगा के तो हो गया है। तो अभी जो लाइटिंग है और फ्लावर है वो हमें लगाना है। अभी तक जो डेकोरेशन है वो इनकम्प्लीट है। हमारा डेकोरेशन तो पूरा हो गया, अब बस लाइटिंग लगाना बाकी है। तो यहाँ पर मेरे जो दोनों सिस्टर है वो लाइट का काम कर रही है, तो फिर बाद में मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा डेकोरेशन हो गया और ये लाइटिंग के वजह से बहुत सुंदर दिख रहा है। हमारे डेकोरेशन का फाइनल लुक, आपको कैसा लगा हमारा डेकोरेशन कमेंट में जरूर बताना। Hey guys, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये आज का डेकोरेशन का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन होगी उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, जो कि होगा गणेश चतुर्थी का डे वन का वीडियो, तो आप भी उसे देखना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।